Good morning, everyone. How are you? I hope you will be fit and fine at your home. So, in the previous session, we have completed the first chapter. Okay, this is sixth class and this is the Hindi grammar subject. So, today we will do the question answer of this chapter, chapter number one. Okay, so take out your book of Hindi grammar. And turn to the page number 9. Okay, तो हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था. आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे. Okay, yes. So, let's start. आइए अभ्यास करें पुस्तक से. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. ठीक है, हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं. देखिए, क भाषा किसे कहते हैं. हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, भाषा किसे कहते हैं. तो देखिए, इधर यू कैन सी द राइट साइड. भाषा एवं सॉरी अपने भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का माध्यम ही भाषा कहलाता है. क्लियर, यानी मन के भावों या मन के जो विचार हैं उनको उनका आदान प्रदान करना या आदान प्रदान का माध्यम ही भाषा कहलाता है.
तो हम पढ़ रहे थे बेटा कि भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का माध्यम ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। गॉट इट? ठीक है, फिर है आपका, भाषा के कितने रूप हैं उनके नाम लिखिए, यानी भाषा के टोटल कितने रूप हैं। गौरी, आई विल आस्क यू लेटर, ओके? नाउ यू 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 हैव टू अंडरस्टैंड, ओके? सो देखिए, तो क्या बताया है कि भाषा के कितने रूप है। तो देखिए, भाषा के दो रूप हैं, एक तो मौखिक भाषा और दूसरी आपकी लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा आपको पता चला है कि जिसको बोलकर अपने भावों की अभिव्यक्ति करना मौखिक भाषा, एंड जो लिखकर अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट है आपके, राजभाषा एवं मातृभाषा में क्या अंतर है। राजभाषा एवं मातृभाषा में क्या अंतर है। तो राजभाषा क्या है, देखो, वह भाषा जो देश के अधिकांश लोगों द्वारा क्या की जाती है, बोली जाती है। देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा भाषा राष्ट्रभाषा है, पूरे राष्ट्र में। ठीक है, और राजभाषा सरकारी कार्यालय की काम काजी भाषा, जैसे कि हिंदी वगैरह ये। और मातृभाषा कौन हुआ, जो बच्चा अपने परिवार में अपने सदस्यों द्वारा जो सीखता है वो मातृभाषा है। क्लियर? देखो, यहाँ पर राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में बताया है। ठीक है, राजभाषा और मातृभाषा में क्या अंतर है। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बारे में यहाँ पे क्लियर हुआ है कि राष्ट्रभाषा तो वह भाषा जो देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है, यानी देश के अधिकांश सदस्यों द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है वो राष्ट्रभाषा। और राजभाषा जो सरकारी कार्यालयों की काम काजी भाषा है, जो सरकारी ऑफिस में जो काम के लिए जो यूज की जाती है वो भाषा होती है हमारी राजभाषा। ठीक है, डोंट राइट राइट नाउ, अभी लिखना नहीं है आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके बेटा? यस। फिर आपका, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और क्यों। तो आपको पता है बेटा, देखो, देखिए, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा की घोषित किया गया था, इसी कारण इस दिन को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया, इसीलिए इस दिन इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाते। ठीक है, यस भाभी। सर आप जो पढ़ा रहे हो वो मेरे मेरे अंदर मेरी बुक में नहीं है। बेटा, दिस इज न्यू बुक, ग्रामर की न्यू बुक ही है, दिस इज नॉट ओल्ड, ओके? ये नई बुक है, ग्रामर का कोर्स चेंज हुआ। मैंने आई हैव टोल्ड यू बिफोर, मैंने पहले भी आपको बताया, ग्रामर की बुक चेंज हुई है बेटा, क्या ओके? राहुल सर ने बोला था जीवानी बुक ले लो। सॉरी, स्पीक लाउडर। सर राहुल सर ने बोला था पुरानी बुके ले लो। हाँ ओके, आज तो सर, ओके ओके बेटा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ, भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, और तभी से इसी दिन यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आपका देखो नेक्स्ट, आसपास का वैसे, क्या आप आपके माता पिता भारत मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। तो हैं, करते हैं, हम मातृभाषा का प्रयोग करते हैं ना, और यदि हाँ तो कौन सी भाषा। हम हिंदी भाषा का यूज करते हैं, कर रहे हैं ना, ओके? हम अक्सर अपने घरों में कौन सी भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा का यूज करते हैं। क्लियर, ओके? यस।
बस यही क्वेश्चंस होंगे बेटा पुस्तक से, क से लगाकर ग और आसपास से, ठीक है। सो वी हैव डन द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। सो आपको ये क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ, यू हैव टू डू इन योर बुक ऑल्सो, ठीक है। यस, सो एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर यू कैन आस्क मी, यू कैन रेज योर हैंड,